यूरोप की इस कंपनी ने अब तक दिया 35,000% का रिटर्न। हेनरिक लार्सन ने एक बार कहा था कि वो हेक्साट्रॉनिक ग्रुप एबी के शेयर की कीमत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं स्वीडन के इस फाइबर ऑप्टिक केबलिंग ग्रुप का सीईओ होता तो मैं कुछ और नहीं सोचता। अमेरिका, यूके और जर्मनी में एक्विजिशन और सेल्स बढ़ने से बीते 2 साल में उसकी वैल्यू 10 गुनी हो गई है और इसने 2012 से अभी तक अमेरिकी डॉलर में 35,000% का शानदार रिटर्न दिया है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक हेक्साट्रॉनिक $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाली 55 यूरोपियाई कंपनियों में से एक है, जिसकी वैल्यू डिविडेंड के दोबारा निवेश के साथ पिछले एक दशक में 10 गुनी हो गई है। यूरोप भी इस मामले में अमेरिका से पीछे नहीं है, जहां 71 कंपनियां बीते 10 साल में ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं, जो यहां का परिदृश्य खराब होने की धारणा को खारिज कर रही है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी यूरोप में आश्चर्यजनक रिटर्न कमा सकते हैं, बशर्ते उन्हें पता हो कि कहां निवेश करना है। निवेशकों को यूरोप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां टेस्ला, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियां नहीं है। ये 10 साल में 10 गुनी हो चुकी हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी की सप्लायर ASML होल्डिंग NV हाल में अकेली यूरोपीय कंपनी है, जो 10 गुनी बढ़कर $100 अरब की हो गई है। हाल में हुए बर्नस्टाइन रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक इतनी कम अवधि में 10 गुनी होने वाली कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ा है। इससे उन्हें ऊंचे प्राइस अर्निंग मल्टीपल का फायदा मिला है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो, में आज हम बातचीत करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। दरअसल ये हर घर इस्तेमाल होने वाला नेस्ले एक 162 साल पुराना मल्टीनेशनल जाइंट है और स्विट्जरलैंड में कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये कंपनी की कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स के साथ अगर हम बात करें तो उसमें 400 फैक्ट्रीज हैं, करीब करीब 197 देशों में इनके ऑपरेशंस हैं, जिसमें 86 कंट्रीज के अंदर इनकी फैक्ट्रीज हैं और 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट नेस्ले बनाता है। इसका जो पहला प्रोडक्ट था वो फरीन लैक्टी के नाम से था, जो कि कंडेंस्ड मिल्क था, जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है। लेकिन वहाँ से जो नेस्ले का सफ़र है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ से शुरू किया हुआ नेस्ले आज कॉफ़ी में, बॉटल्ड वाटर में, मिल्क शेक में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, इसके अलावा चॉकलेट में, हेल्थ केयर में, आइसक्रीम में, इंटरेस्टिंग चीज़ पेट फूड में और साथ साथ फार्मास्यूटिकल में भी अवेलेबल है। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग नंबर्स की बात किया तो लॉरियल, जो कि एक जाइंट कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, उसमें भी नेस्ले का एक सब्सटेंशियल स्टेक है और साथ साथ ग्लोबल मार्केट में नेस्ले 20% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की कुल आबादी का 20% हिस्सा जो है वो नेस्ले कॉफ़ी पीता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नेस्ले से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।